So hello everyone guys, today we have Mohammed Kaif, and guys the most important thing is that Mohammed Kaif have cracked the interview of Indigo Airlines ground staff for Delhi base, right? Ab bahut se log puchenge ki Kaif kahan ka rehne wala hai. So guys, Kaif is from Lucknow and he went to Delhi and he cracked the interview of Indigo Airlines Delhi base. Yeah, I guess Kaif ka selection number 180 ke pehle ka hai, but we are releasing the interview experience now, thoda sa delay ho gaya. Because we are waiting for the mails and all, तो उसको mail आ गया है and now we'll be sharing the interview experience. Next thing is interview experience में yes, he will be sharing कि lot of good things, questions क्या क्या पूछेगा, then he'll be also sharing lot of secret tricks, secret strategy. तो आपको guys skip नहीं करना है, अगर आप skip कर देंगे तो जो main जो crux है वो तो छूट जाएगा यार, ठीक है. तो आपको ध्यान से सुनना है चीज़ों के बारे में और देखना है and guys समझना है how he cracked it and each and everything. तो मैं first of all Kaif, very much congratulations for cracking the Indigo ground staff interview from Aviation Life, as well as you are the student of Aviation Life. So Mohammed, very much congratulations that you cracked it, and now he is again here back to share his interview experience. Guys, you can also see one more video where Kaif was sharing the feedback, and now the day comes he cracked it and now he is sharing his interview experience for Indigo Airlines Delhi base. So Kaif, main janna chahta hu ki yaar ye batao ki matlab kaisa lag raha interview crack karke. चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ये बताओ यार, क्या सर मतलब इंटरव्यू क्रैक करने के बाद मतलब एक अलग ही सी फीलिंग आई है, मतलब बता वो फीलिंग सर बताया नहीं सकते. बस ये है कि जो भी है बस क्रैश कोर्स के ही जरिए मतलब वो हुआ. ओके ओके. और सर ड्रीम जॉब थी तो सर एक अलग ही फीलिंग होती है ना, मतलब कि हाँ ये चीज हो गया. परफेक्ट ना, परफेक्ट. मैंने देखा यार आपके मोबाइल के स्टेटस में आप डालते थे राइट कि ये आई एम कमिंग सून, ये वो. तो मुझे बड़ा सही लगता था यार कि यार जल्दी काश हो ये वो. ओके कैफ, ये बताओ कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्टिंग एक बार में हुई कि नहीं हुई, मतलब लखनऊ बेस में आपने कई बार वो किया, तो ये बताओ कि लखनऊ बेस में आपकी सीवी शॉर्टलिस्टिंग हुई थी कि नहीं हुई थी. सर बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही, तो मैं गाइस एक चीज बता दूं कि अगर आप अपना क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो और चीजों को एग्जैक्टली फॉलो करते हो, सीवी शॉर्टलिस्टिंग हमेशा होती है. कैफ की कई बार सीवी शॉर्टलिस्टिंग हुई राइट सर, 3 बार लखनऊ बेस के लिए हुई, 2 बार पटना बेस के लिए हुई है और 2 बार दिल्ली बेस के लिए हुई है ना. तो ऐसा नहीं है गाइस, सीवी शॉर्टलिस्टिंग होती है यार, है ना. आपको करेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए चीजों को जानने के लिए. ओके कैफ, ये बताओ कि यार कि आप कब, आप सेलेक्ट कब हुए, कौन सा दिन सेलेक्ट हुए और कब सेलेक्ट हुए, डेट कौन सा था. सर मेरा इंटरव्यू था 22 जून. वेन्यू था हमारा गुरुग्राम में हिल्टन बनी स्क्वायर में, वो पड़ता है डबल ट्री हिल्टन गार्डन. okay, okay. उसी में था और मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 10 बजे और okay. आपकी वीडियो में मैंने देखा और आपने बताया कुछ था तो उसकी वजह से मैं पहले पहुंच गया था भाई, 9 बजे में पहुंच गया था. ओके okay. ये बताओ कैफ की यार कितने लोग की रिपोर्टिंग थी वहां पे टोटल. सर रिपोर्टिंग तो मतलब जिस टाइम पे हम थे उस टाइम पे मतलब 1000 बच्चे होंगे सर, और वो मेरा इंटरव्यू खत्म होना हुआ है लमसम 4:30 बजे करीब, बच्चे आ ही रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे. ओके परफेक्ट ना, परफेक्ट. ओके कैफ, अब कैफ आई वांट यू टू, आप स्टूडेंट्स को बताओ कि मतलब क्रैश कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया था, मतलब क्यों ज्वाइन किया था आपने. क्या सर क्रैश कोर्स तो ज्वाइन करने का एक ही मतलब था कि इंटरव्यू निकालना है भाई, अगर निकालना है तो ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके मतलब मैंने वीडियोस देख रखी थी सारी और फिर जो आपने सिलेक्शन सब्सक्राइबर की सब बनाई हुई थी, इतने लोग सिलेक्ट हुए तो उसी से सर मोटिवेट हुआ था. और मैं आपकी उस वीडियो पर हुआ था जब आप अपने भाई को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तब से ही हमने देखा था कि नहीं इंटरव्यू अगर निकालना है तो कुछ तो ट्रिक्स चाहिए होगी. उससे पहले सर मैं फ्रैंकफिन वगैरह गया तो 1.5 लाख रुपए उन्होंने बताया, तो हमने कहा छोड़िए. फिर आपकी वीडियो देखी, एक बार ये डाउट हुआ कि करूं या ना करूं, फिर हमने कहा नहीं करते हैं सर की. ओके ना, परफेक्ट ना, परफेक्ट. ओके ये बताओ कि कैफ हाउ क्रैश कोर्स वाज वेरी मच हेल्पफुल इन क्रैकिंग द एयरलाइंस इंटरव्यू. क्रैश कोर्स से तो क्या-क्या हेल्प मिली आ सर. क्रैश कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ एनी वांट टू क्रैक एयरलाइन इंटरव्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, देन आई रिक्वेस्ट डू ज्वाइन क्रैश कोर्स. सर बिना क्रैश कोर्स के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, अगर हो जाए तो हो जाए सर. ओके 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 मोहम्मद, आई वांट यू कि आप ये बताओ कि भाई हमने जो कोर्स में सिखाया वो मतलब कैसे कैसे काम आया, क्या क्या चीज थोड़ी बहुत काम आए, पूरा मत बताना. अच्छा तो कि आप थोड़ा थोड़ा बताओ कि हमने जो कोर्स में क्या क्या चीज सिखाई थी वो आपको वहां पर जाके यूजफुल हुई,
और कैसे जो हमने हमारे नोट्स वोट्स और ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये बताओ, मैं चाहता हूँ आप स्टूडेंट को। या सर मतलब जो जो एक्चुअली मैंने आपसे बताया था कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी नहीं है, बट आपने कहा नहीं आप ज्वाइन करो तो वो सब हो जाएगा सर, तो वो ज्वाइन किया, जो आपने बताया वो किया, तो मतलब वेरी हेल्पफुल रहा। और जो आप बताते हो उससे अलग हटके आता ही नहीं है, जैसे वो हाई स्कूल और इंटर में विद्या दी जाती है कि इसी में से आना है, हाँ वो एनसीईआरटी बस वाला, इसको पढ़ के जाओ, इसी में से बस आएगा, बस हो गया ना, उसी में परफेक्ट ना, से आना परफेक्ट। है, बस जो आप नोट्स देते हो उसी में से आता है, बस कहाँ से आ जाए ये नहीं पता होता। ओके ना मोहम्मद, मैं कहता हूँ कि यार बहुत से स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, और उनको यार थोड़ा डर लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप उनको थोड़ा सा कुछ टिप्स दो भाई, कि मतलब आपका कैसे हो गया यार ऐसे। को मोहम्मद जो सिंपल सी बात है, देखो तुम्हारी भी कम्युनिकेशन स्किल कुछ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम फिर भी सेलेक्ट हुए हो, राइट। अब मैं सर चाहता हूँ कि तुम थोड़ा बताओ आपने फिर बाकी स्टूडेंट्स को कि भाई कि हिंदी कोई बैरियर नहीं है यार, और बिना उसके भी सिलेक्शन हो सकता है, बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो ये बताओ मोहम्मद कि आपने कैसे बियरअप किया, ये बताओ। या सर पहली चीज तो उन सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी, उतना आप 15 दिन में ट्रेन कर देते हो कि वहां पे क्या करना है। और सर आप अगर जो जो बताओगे तो वो अगर वो करेगा तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती कुछ, हाँ ये रहता है, लेकिन आप क्रैश कोर्स में 15 दिन में इतना पता चल गया था कि क्या करना है, जीडी टॉपिक पर क्या करना है। ओके ओके परफेक्ट ना, परफेक्ट परफेक्ट। ओके और मोहम्मद, बाकी जो पढ़े जितना आप बताए कि इतना पढ़ के चले जाओ, बस होना ही है उतना। है ना गाइस, सबको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है यार, ज्यादा दिमाग लगाने का काम तो हमारा है, आपको दिमाग सर लगाना नहीं दिमाग है कुछ लगाना ही नहीं है, ना, दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग हम लगा रहे हैं, आपको बस फॉलो करना है चीजों को। अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी आराम से कैफ की तरह इंटरव्यू निकाल लोगे, नॉट इवन कैफ, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड अबव, अभी हमारे टोटल सिलेक्शन 185 हो चुके हैं यार, ठीक है। तो अगर आप चीजों को फॉलो करते हो तो उसमें आप आराम से इंटरव्यू निकाल सकते हो। तो गाइस एक चीज और बता दूं कि यस एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 15 जुलाई बैच, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, नंबर देख सकते हैं आप, लिंक हो रहा होगा, तो ये सारी की सारी चीजें फटाफट से मैसेज भेजिए अगर सच में इंटरेस्टेड है क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ओके सो मोहम्मद, मैं चाहता हूँ ये बताओ कि यार कोई टिप्स दो, 5 टिप्स, 5 टिप्स जो स्टूडेंट्स के काम आए यार, 5 टिप्स कि क्रैश कोर्स सॉरी इंटरव्यू निकालने के लिए, कोई 5 टिप्स चाहता हूँ आप स्टूडेंट्स को दो। सर आई हैव ओनली वन टिप्स नॉट फाइव, डू ज्वाइन क्रैश कोर्स बस सर, ओके क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि दिल्ली विल्ली में सर 3 राउंड का इंटरव्यू होता है सर, टिप्स कुछ नहीं काम करेंगी, जो आप बताओगे वही काम करनी है। परफेक्ट ना, क्या है ना, बहुत सही लगा यार, मतलब ये सारी की सारी चीजें। तो करना क्या है कि आपको फटाफट से क्रैश कोर्स में एनरोल करना, जो कि 15 जुलाई से चालू हो रहा है, और फीस जो है बढ़ जाएगी थोड़ी देर बाद, तो भाई अभी सस्ती है फीस, 3500 रुपये में दे रहे हैं, ग्राउंड शॉप और कैबिन को दोनों का अलग अलग है, तो आपको नोट्स मिलेंगे फ्री में, फ्री में सीवी मिलेगा, और वही सीवी जो बार बार शॉर्टलिस्ट होगा है ना, वो आपको चीजें मिलेगी, और आप फॉलो करना और इंटरव्यू निकालना यस फिर सर जाकर। तो क्या आपकी प्रॉब्लम ये था ना कि आप क्रू बनना चाहते थे यार, क्यों भाई, है ना यस कैफ? सर तो गाइस देखो कैफ की जो हाइट कम थी, अगर आपको हाइट का भी इशू, तब ग्राउंड शॉप बन सकते हैं। तो कैफ आप पता है व्हाट यू कैन डू, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, ऐसी अलाइंस का वेट करो जो कम हाइट वाले लोगों को हायर करती हो, जैसे अलाइंस एयर है ना, या फिर तुम एक देख सकते हो भाई कतार एयरवेज, जिसमें हाइट कम होगी तब भी चल जाएगा, आमरिच पहुंचना चाहिए, आमरिच, अगर आमरिच पहुंच जाएगा तो भी सही है, तो भाई अगर उसमें आमरिच पहुंच गया 212 सेंटीमीटर, तो दिक्कत क्या है? सर मेरी 5 फीट 5 इंच है 5 फीट 5 इंच के सेंटीमीटर में कितना होगा यार, है ना, 5 फीट 5 फीट सर, 160 अराउंड है, 160 162 162 ना, 162 5 सर, 165 सेवेंटी मेरे वन हिसाब सिक्सटी से पहुंच नाइन जाना चाहिए यार, क्योंकि तो 30 मीटर का स्केल जो इतना बड़ा होता है भाई, है ना, तो अगर 165 सेंटीमीटर है, 175 185 उससे बढ़ जाएगी भाई, ज्यादा हो जाएगी। तो कतर एयरवेज में क्या चाहिए, आम रिच चाहिए मोहम्मद। देखो आपको करना क्या है कि आपको करनी है भाई डट के नौकरी, ट्रांसफर लेना है अपने यस पुराने सर जगह पे, जहाँ पे आप नौकरी कर, जहाँ पे घर है आपका, उस दिन नौकरी करनी है, पर्सनैलिटी में काम करनी है, और आपको हम एक देंगे फ्री में कोर्स, राइट, 3 दिन का, 3 दिन का वर्कशॉप देंगे, जो तो बाकी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं ग्राउंड स्टाफ में, जो जिन्होंने यहाँ पे आके इंटर एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनको 3 दिन का वर्कशॉप देना, तो आपको वो अटेंड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप है, फ्री में नोट्स मिलेगा उसमें यस सर और हर एक चीज मिलेगी उसमें, तो आपको वो अटेंड करना है, उससे क्या होगा भाई कि कतर एयरवेज का इंटरव्यू निकाल लोगे। क्योंकि तो भाई देखो जो कोचिंग के जो बंदे हैं वो तो अल्ट्रा लेवल पे ट्रेंडी है यार, जिस हिसाब से आपने जिस चीजों को डील किया है ना, और वो मुझे अभी भी याद है ना, वो याद है जो एचआर ने पूछा था बेटा कहाँ रहते हो करके,
सर मतलब हमसे तो इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग हुए हैं, मतलब कि बता नहीं सकते, कि मुझे एड्रेस ही नहीं पता था ओके ना, आगे नहीं टिकट बोलना, आगे वाला। नहीं बोलना, जैसे कोर्स हैम्पर हो जाएगा भाई, है ना? परफेक्ट नहीं ना, परफेक्ट। सर वो तो आई, मतलब वो तो आप खुद ही बता दो, मतलब 15 दिन में आप एकदम ट्रेन कर देते हो जो चीज आपने बताई, बस सर वही है। है ना, ये सारी की सारी चीजें हैं गाइस। और आपको जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना था कि फटाफट से इंटरव्यू निकाल पाओ। और हमारी जो कोचिंग इंडिया की फर्स्ट अफोर्ड, इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, ये फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग है गाइस, ये है। तो यार मोहम्मद मुझे बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया और चीज़ों को लोगों को जेनवनली बताया कि भाई सीवी भी शॉर्टलिस्ट होती है, और आपकी हर बार सीवी शॉर्टलिस्ट हुई, हालांकि आप एक बार सर वो वो तो देख एक दो बार छूट गए। मिस्टेक हाँ जी जी ती एक दो बार नहीं सर, 4 बार छूटे, अरे सेकंड 4 बार बार छूट ग्रुप गए। मतलब फिर फाइनली अब एक बार फिर हो गई, बताइए ज्वाइन मतलब सिलेक्शन होने के बाद फिर शॉर्टलिस्ट हुई, जले पर नमक मिर्चा वाला हाल हो गया सर। है ना, तो ये चीजें भाई, तो जब जब चीज जो भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है भाई, है ना मोहम्मद? तो वो चीजें भाई, और चीजों को मजे लेने हैं और सर क्या यार। आपको याद है मैं आपको बार बार फोन करता था, हाँ, कि सीवी मैसेज शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही, ये करता नहीं था हो और रहा, ऑनलाइन चेक करता था। है ना भाई? तो यार देखो, जो चीजें हमने बताई उसको फॉलो करो, सीवी तो शॉर्टलिस्ट होगा ही होगा यार। आपने मेल नहीं चेक किया था, वो आपकी वो है भाई, आपको मेल चेक करना वो चाहिए था यस कायदे से, सर, पता है। सर आपकी बात वही ना कि अगर मान ले आदमी तो सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होना, मतलब स्टूडेंट भी शॉर्टलिस्ट होगा ही 100%। और सर कोई कोर्स की इतनी फीस भी नहीं है कि मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मतलब और यार फ्री में सीवी भी दे रहे हैं, फ्री में नोट्स भी दे रहे हैं भाई, फ्री में स्ट्रेटजीज दे रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, प्लस मेरे पास जो ATL का इंटर एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, और क्या चाहिए भाई। सर और वो और उसके अलावा जो आप मतलब सपोर्ट करते हो ना, कि ये नहीं कि क्रैश कोर्स खत्म हो गया तो आदमी को कोई सपोर्ट नहीं, हमें तो आपने मतलब अभी तक किया, मतलब दिसंबर से आप सपोर्ट ही तो करते चले आ रहे हैं। तुम्हारी सीवी हमने 2 बार बना के दी थी, याद है? उसमें कुछ कुछ एडिट वगैरह कुछ कुछ हो गया था, उसमें कुछ चीजें ऐड नहीं हुई थी। क्योंकि वो तो यार देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पर्सनली हो यार, और भाई मैं सबका चाहता हूँ कि सबका हो। और मतलब अब देखो 185 सिलेक्शन हो गए हैं राइट, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस 185 नहीं है कायदे से देखा जाए तो। चीजों का मैनेज कर रहे हैं भी जो है, चीजों को अपलोड कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को दिखा पाए भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया के हमारे इतने सारे सिलेक्शंस हैं, एंड पीपल आर बैंगिंग ऑन यार, ये चीजें हैं। आप आगे जाके भाई, आगे जाके एयरलाइन ज्वाइन करोगे, मैनेजर बनोगे, और क्या चाहिए यार। एयरलाइंस बड़ी अच्छी फील्ड है भाई, छोड़ना मत जब तक दूसरी नौकरी ना मिले भाई। चीजें कई लोग जो है भाई बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं राइट, क्या है वो देखते हैं ना लग्जरी को, कि यार देखो एक्चुअली क्या, एयरलाइंस इंडस्ट्री जो है भाई जिगरे वालों का काम है यार राइट। जिसका जिगरा होगा वही जाए तो ज्यादा बेहतर है भाई, वही नहीं, जिगरा और और दम सर्वाइव मतलब करने का ये यार। भी है ना कि आप मतलब लोग, बहुत से लोग हमने देखा कहते हैं ये आप तो वही एयरलाइन बताते भी है ना कि ये ज्वाइन करो जो मतलब करने लायक है, मतलब और सब कोई भी है, मेरा इससे टाई अप है, जेट एयरवेज से है, स्पाइस जेट से, मतलब आप तो क्रैश कोर्स में ये भी बता देते हो कि इसी एयरलाइन में जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी चाहे जिसमें जाओ। हाँ भाई, है ना, आप उसी में जाओ, आप उसी डिपार्टमेंट में जाओ जिसे मैंने कहा है आपको राइट। और सर आपकी सीवी बनाई हुई वो एचआर खुद समझ जाते हैं कि किस लेवल कुछ की सीवी है, मतलब वो खुद ही आपको डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक, मेरे साथ तो हुआ ना कि भेज देते हैं कि आपकी सीवी डिपार्टमेंट इस अपने में अलॉट डिपार्टमेंट कर में देते है। हैं। और एक चीज और है कि यार इससे सिंपल सी यार, अगर किसी कहीं से गाइडेंस मिल रही, नॉलेज मिल रही है तो इतने अफोर्डेबल कॉस्ट में, तो फिर नो इश्यूज यार। पहले आप लोग थिंक ऑफ इट, एविएशन के कोर्सेस 1.5 लाख 2 लाख रुपए में आज ही मिलते हैं, आप जाओ कर सकते हो यार। बट अगर आपको चाहिए कि इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, और डिप्लोमा तो मतलब वेस्ट ऑफ सर मनी है भाई। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब पूरी पूरी जब मेरा इंटरव्यू था तो मतलब पूरे पूरे इंस्टीट्यूट के बच्चे आए हुए थे, तब दो इंस्टीट्यूट के थे, उनकी ड्रेस वगैरह भी सेम थी, नाम मत ब्लैक देना, नाम मत पैंट देना थी, उनका, वाइट। नाम मत लेना कैफ, लेकिन पूरा बताओ जरा उनके नहीं बारे में क्या हुआ। हाँ सर नाम तो वैसे भी मुझे पता ही नहीं है, हाँ हमें नहीं अच्छा पता है, लेकिन वो पूरा पूरा ग्रुप सर मतलब क्या ही बताएं कि ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और टाई, ये लोगों का ग्रुप था कम से कम 500 के करीब। अरे अरे अरे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, और आप कहाँ से हो ये वो, मतलब बातें होने लगी, हम हमसे पूछा आपने क्या करा, हमने कहा हम तो होमवर्क करके आए हुए हैं, का आपको ये पता है, हमने कहा नहीं हमें इतना पता नहीं, बस देखे। फिर हमने भी पूछा अंदर क्या चल रहा है, बोले कि जीडी टॉपिक मतलब बहुत हार्ड हो रहा है, तुमने कहा भाई हार्ड तो हो ही रहा होगा जीडी टॉपिक, अब वहां पे मेरी खिसकी
हमने कहा आप क्या करें, फिर 10 लोग हम लोग कहते अंदर, तो अच्छा। ओके, तो उन बंदों का चार हुआ कि लोग नहीं हुआ सेलेक्ट हुए कैफ, उन बंदों का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ जो दूसरे सर। वहां से आए हुए थे, जो 1.5 लाख सर रुपए दे वो के आए हुए चार थे? हमारे सर मैं बता रहा हूँ ना, 10 लोग में 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 6 निकाल दिए गए, और 3 उसमें से ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, वो आए हुए थे। उसमें विस्तारा के भी कुछ थे, कुछ उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, और बस बाकी तो वो जो जितने सर मान लीजिए आए थे इंस्टीट्यूट वाले, वो 500-600 लोग थे, उसमें से अगर बहुत हुए होंगे तो 4 लोग, क्योंकि आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। भाई यार देखो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना गाइस, देखो पैसा बर्बाद है, आपको वहां नहीं ज्वाइन जाना है, टाइम पास है भाई। ये लोगों के मन में क्या है ना, भूत सवार है यार, है ना, भूत सवार है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। ये आधे लोग तो टाइम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप का अपना और खुद का पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट वेस्ट ऑफ टाइम है यार, कितने बार लोगों को बताऊं, है ना गाइस। देखो आपकी मर्जी है, लेकिन डोंट गो हियर एंड देयर। वो पुराना था, पुराना जमाना था जब वो लोग थे सिर्फ। अब नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज, अब एविएशन लाइफ आ गया है, तो आपको जो है फटाफट से एनरोल करना है कोर्सेज में, और टाइम पास नहीं करना, टाइम माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना यार। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो ये है। सही सर, मतलब बिल्कुल वेस्ट है। मतलब मैं तो देखा कि दिल्ली विल्ली में सर हमें लगा ज्यादातर इंस्टीट्यूट वाले ही आते ही हैं। तो भाई अब यार उसमें से सर मेरे सामने 200 करीब वो हुआ था, 300 करीब का, 4 बजे तक 300 लोग में, 300 लोग में ज्यादातर सर 250 तो शायद इंस्टीट्यूट वाले थे, और कोई था ही नहीं, और बाकी अलग अलग थे। तो उसमें से 4 लोग, एक हम थे और एक और कोई था, वो सिलेक्ट हुए थे, दो मतलब जो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, बाकी तो सर नहीं होते। हाँ, तो गाइस आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है, टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करना है। आपने ज्वाइन कर लिया तो मैं तो बोलूंगा बीच में छोड़ दो उसको, है ना, क्यों बचा कुछ पैसा देना है यार वहां पे, है ना। डू एनरोल इन द कोर्सेज एंड गेट एडवांटेज। सर क्योंकि जो मजा मतलब क्रैश कोर्स में है कि आप बोलना सिखा देते हो आदमी को, जैसे तोते को बोलना सिखाते हैं। हमें तो इंग्लिश सर मैंने आपको बताया सर मेरी अच्छी है ही नहीं। अपने का ज्वाइन तो करो तो जीडी टॉपिक भी निकाल ले जाओगे, तो फिर वो भी हो गया सर। सीरियसली भाई देखो कैफ, मैं तो बड़ा खुश हूँ यार, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, और मैं चाहूंगा भाई थोड़ा सा और काम करो पर्सनैलिटी के ऊपर। अब रियल में इंग्लिश में वर्क करना ना कैफ, रियल में इंग्लिश में वर्क करो, मतलब वैसे यार एयरलाइंस में नौकरी करते करते अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाती है भाई समय के साथ। और फाइनल एचआर ने भी मुझसे बोला सर कि प्लीज यू वर्क योर कम्युनिकेशन स्किल। मैंने कहा ठीक है मैम कर लेंगे। फिर तो ये कांग्रेस चीज, मतलब बोला कि हाँ हाँ आप जाइए, मतलब कांग्रेस बोल के मुझे बोल दिया। फिर मतलब वो हुआ ना कि सर और आप मतलब 10 बजे से हम लोग ने खाना भी नहीं खाया। हमने कहा सर वो मतलब वो वाला टाइमिंग था कि होगा नहीं होगा जीडी राउंड, जब जीडी हो गया तो फिर मतलब एकदम श्योर हो गया कि अब तो हो ही जाना है। फिर आपने जैसे बताया वैसे कर रहे, फिर जो हम चाह रहे थे वो एचआर हमसे पूछ रहा था, चाहे वो सिक्योरिटी मैनेजर हो चाहे एचआर हो। नहीं, बड़ा अच्छा लगा यार कैफ। और सबसे अच्छी बात है कि भाई आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन आप हमें भूले ही नहीं, आप यहाँ पे आए, आपने इंटर एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे सबसे अच्छा लगा यार ये कि आप सेलेक्ट हो जी चुके हो। तो यार ये तो आपका फर्ज है गाइस आगे बताना ना, ताकि हम इंटर एक्सपीरियंस वीडियो बना सकें और लोगों को दिखा सके कि भाई हमारे सिलेक्शन में सिलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। 185 हो गए अभी, देखो लगातार गाइस वीडियो आएंगी। अभी 5 बजे का और है कुणाल, और लाइन से जो है इंटर थिंग से शेड्यूल है यार आज, ये लाइन से जो पूरी चीज शेड्यूल है, देखो फटाफट से अपलोड करना चीजों को। और लोगों को यार जी हम तो यही चाहते हैं कि यार लोगों को अल्टीमेट लेवल की गाइडेंस मिले विद मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट। देखो थोड़ी थोड़ी क्रैश कोर्स की फीस इतनी जरूरी है, बहुत से लोग बोलते हैं कि फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते, क्या बस फ्री में तो पढ़ाया था मैंने लोगों को यार, लोग सीरियस कहाँ थे भाई। फ्री स्टार्टिंग में आपने पढ़ाया था सर में आपने। पढ़ाया था मैंने यार, 4 महीने 4-5 महीने फ्री पढ़ाया था भाई, लोगों क्या सीरियस चीज है ना भाई कैफ, इसलिए तो फीस बढ़ाई हमने। अब लोगों को ज्यादा लग रहा है, बल्कि ज्यादा नहीं है यार, 3500 इज मोस्ट अफोर्डेबल यार, ये लाइव पढ़ाते हैं और उसमें भी कैफ, है ना कैफ। तो भाई करना क्या है अभी, जी क्या करना है आपको अभी? अभी मजे करने हैं सिर्फ, करना कुछ है कुछ है कुछ कुछ ही नहीं है भाई, कुछ नहीं करना है सिर्फ मजे करने हैं। मैं तो बोलूंगा भाई जाके बढ़िया से घूमो उमो इधर उधर, और आपकी जो आपका जो ऑफिस है जहाँ पे आप काम, मतलब आपका जो फादर का, वहां जाके हेल्प वेल्प करो। अभी कुछ करना है ही नहीं राइट, एक जॉब है बस, और क्या। ट्रेनिंग वेनिंग चालू होगी तो फिर सर वैसे सोचना भी सर घुमा करते हैं अपना ही, बस वो ड्रीम जॉब थी मिल गई, बाकी यार। अब बोलो बोलो। वही ना सर कि बाकी पैसे वैसे कि हमें इतनी अकेले ही हमें, और पापा का हमारे पीडब्ल्यूडी का सर
मतलब बिजनेस है यूपी लेवल पे, तो मतलब हम लोग ठीक ठाक अर्न भी कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी वीडियो देखी नहीं कि मतलब ये एयरलाइन की दुनिया अलग ही है, मतलब इतना मोटिवेट वो ना क्रू का था, तो आपने सजेस्ट भी किया, मतलब ये अच्छा लगा। और कोई होता हाँ ठीक है भैया क्रू ज्वाइन कर लो, मैं सर 2-3 इंस्टीट्यूट गया भी, उन्होंने उनसे मैंने बोला कि मुझे क्रू ज्वाइन करना ही लखनऊ में ही, तो मतलब उन्होंने कहा ठीक है आप कर लीजिए, मतलब उनका वो सीट ऑफिस वगैरह दिखाए तो जहाँ प्लेन व्लेन टाइप की सीट, अच्छा वो सीट वगैरह प्लेन व्लेन मतलब वो टाई वाई, मतलब वो पूरा क्रू का एकदम वो था, मतलब अच्छा ये लगा कि आपने जो कंसल्ट किया कि नहीं आपकी हाइट ये है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है, ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करो और आप क्रू में नहीं होगे पैसा वेस्ट मत करो, ये आप ग्राउंड स्टाफ बनो, मतलब ये चीज अच्छी लगी ना। बाकी तो आ गया हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, हमारा टाई अप है सर, ऐसा मतलब क्या ही बताएं। अरे क्या बताओ यार, देखो अब देखो यार, दोनों का क्रैश कोर्स की फीस में 500 रुपए का फर्क है भाई, ठीक है मुझे पता है कि इसमें नहीं होना है, उसमें तुम चक्कर खाओ काटोगे और कुछ नहीं, आखिर में कोर्स खत्म होने के बाद फिर आप मन में ही मन ही मन मुझे गाली दोगे, तो मैं बोलता है यार बेहतर है कि स्टूडेंट को पहले ही बता दें भाई कि फायदा किसमें है और जो रियलिटी में चीजें हो सकती है वो तो पहले ही मतलब खुद ही पूछ लेते हैं, ये चीज मैंने बोला कि बाकी तो इसलिए क्या मैंने बोला है ना आपको कि आप ग्राउंड से आप ज्वाइन करो भाई, उसमें ज्यादा फायदा रहेगा एक बार में सिलेक्ट होगे करके, और वही हुआ यार ग्राउंड से आप ज्वाइन किया एक बार में सिलेक्ट हो गए, कुछ दिन काम करो चीजों को सीखो एक्सपीरियंस हो, देन गो फॉर द क्रू, बनना है क्रू बनो, जो बनना है वो बनो यार, इंस्ट्रक्टर बनना है इंस्ट्रक्टर बनो, जैसा बनने आ रहा है वो करो भाई, तो वो चीजें हैं क्या सर। तो वही है भाई, अभी क्या है अभी तो यार ऐसा मत सोचना कि विजन लाइफ की खत्म हो गई है, अभी तो शुरुआत हुई भाई, असली जर्नी ही शुरुआत होती है। अब वही ना सर, बाकी काम तो इंटरव्यू के बाद ही है, है ना, मेन क्रक्स जो इंटरव्यू के बाद ही है भाई, है ना। अगर आप में से कोई सोच रहा होगा कि इंटरव्यू निकाल लिया अब हमारा काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, अभी आगे जाके हेल्प मिलेगी ना, और अगर आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं शेयर नहीं किया होगा वही फोन काटूंगा, बता रहा हूँ मैं ये चीजें भाई, सिंपल सा है यार, है ना। इफ यू सपोर्ट अस, आपने इंटरव्यू निकाला, आपने इन्फॉर्म किया, एटलीस्ट लॉट ऑफ पीपल दे डोंट इवन इन्फॉर्म भाई, अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया सिंपल सी बात है यार, आज नहीं तो कल बेटा हेल्प हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जिस दिन पड़ेगी तो उस दिन रियलाइज करवाएंगे कि यार आपने जो है क्या किया था करके, ये चीजें हैं। तो कैफ बड़ा अच्छा लगा आप आए, डोंट वरी विल बी गिविंग यू फ्री वर्कशॉप, एंड वो वर्कशॉप आप तब एक्सेस करना जब आपको लगे कि भाई अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे जो है ये कर लेना चाहिए, ये चीजें हैं। मुझे मैसेज भेजना, मैं जो है वो क्या बोलते हैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फ्री वर्कशॉप के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, बस और क्या यार मजे ले पाओगे और क्या भाई, अगर थोड़ा सा किसी की हेल्प कर देंगे वो क्रू बन जाएगा तो और अच्छी बात है ना हमारे लिए यार, हम तो चाहते हैं कि बंदे बने जाके आगे जाके मतलब नहीं सर हम तो कैप्चर में मिशन, आप हेल्प कर दोगे वो अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज वो है ना कि सर क्रैश कोर्स तो मुझे क्रू का करना ही है, क्योंकि सर वो हेल्प में मतलब फिर वो हो जाता ना कि अपने से लगने लगता है कि फीस नहीं थी पता नहीं होगा क्यों, तो जब पे करेंगे तो मेहनत भी मतलब अलग ही लगेगी, उस लेवल पे मेहनत करते हैं, ये बात तो है यार, ये बात तो सही बोले भाई, इसलिए लोगों से फीस पे करवाते हैं हम लोग, ये चीजें हैं यार। तो आउटकम भी तो मिल रहा है यार, आप लोगों को आउटकम दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं। अच्छा सर इतनी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 3,350 में सर कोई नहीं करेगा,1 बार में ही हो, फिर जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तब होगा भाई सिलेक्शन एक बार में, और नॉलेज और गाइडेंस तो भाई रहेगी रहेगी, और हमारा सपोर्ट तो फुल रहेगा ही रहेगा भाई फ्यूचर कैफ, है ना। तो कैफ ऑल द बेस्ट यार, कुछ नहीं करना है अभी, सिर्फ रिलैक्स होना है, मजे करने हैं और मजे करने हैं भाई, ये है कैफ, है ना कैफ। तो कैफ ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एंड शेयर एंट्री एक्सपीरियंस, ऑल द बेस्ट भाई, है ना, ओके भाई।